तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे बड़ी मिस्ट्री दुनिया की, जो है टाइटैनिक बोट के ऊपर कि वो जो क्रूज थी, शिप थी, पोजन बोट भी बोलते हैं, तो वो कैसा डूब गई। इतनी महंगी शिप थी, इतनी एक्सपेंसिव थी, लोगों ने बोले कि अगर गॉड भी चाहे तो नहीं डुबा सकते, तो कैसा डूब गई, क्या उसका राज था, क्या सही में उसको आइसबर्ग से डूबी जो आइस का पत्थर आ गया था, या सही में उसके पीछे कुछ एक बड़ा राज था। मैं आप लोग को ये वीडियो के अंदर बताऊंगा। मैंने टाइटैनिक की बड़ी वीडियो शायद नहीं बनाया हो, अगर बनाया भी होगा तो बहुत पहले बनाया होगा और ज़्यादा कंस्पिरेसीज ने बताया होगा जितनी मैंने अभी स्टडी किया हो। तो मैं आप लोग को स्टडी करके जितनी भी चीज़ मेरे को मालूम है मैं आप लोग को ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एक भी मिनट स्किप नहीं करना वरना समझ नहीं आएगा। और आप लोग को एक और एक चीज़ बोलना है, यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट दिखाएगा हर वीडियो में होता है, जाके आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। ये मैंने खुद ने नहीं डाला, ये खुद YouTube डालता है, तो आप YouTube की गारंटी रहती है। आप डायरेक्ट बड़ी बड़ी साइट्स पे जाएंगे, जो ऑफिशियल साइट्स है वहाँ से आप खरीद सकते सामान, आप खुद यूट्यूबर बन सकते हैं। तो एंजॉय करो और प्रोडक्ट बाय करो और एक पेमेंट्स की। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो टाइटैनिक बोट थी वो एक आदमी ने बनाया था, जिसने तीन बोट बनाया था वही टाइम पे, जो तीनों सेम टाइटैनिक की तरह दिखती थी। ये अगर आपको नहीं मालूम था तो मैंने आप लोग को बता दिया, लेकिन बहुत जन को मालूम है ऑलरेडी ये बात के बारे में। तो एक्चुअली ये जो आदमी था ये खुद इतना अमीर नहीं था जो टाइटैनिक की बोट बना रहा था, ये फाइनेंस लेके लोगों से बना रहा था। जैसा हम लोन लेते हैं वैसा वो टाइम पे वो लोगों से फाइनेंस लेता था। अब वो जिससे फाइनेंस ले रहा था बैंक के सबसे ऊंचे आदमी थे, जिसको कहते हैं तो एक दो भाई लोग हैं, मैं उन लोग का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि आज भी उन लोग जिंदा है। तो उन लोग है ना बहुत बहुत ज़्यादा अमीर थे, तो उन लोग ने उसको पैसे दिए, लेकिन उन लोग की टच बहुत ऊपर तक थी। अगर वो पैसे रिटर्न नहीं दे देता है वो टाइम तक, तो उसको मार भी दिया जा सकता था। तो अभी उसने तीन बोट बनाया था, जिसका नाम था ओलंपस टाइटैनिक, और एक और एक बोट बनाया था। जो तीसरी बोट थी एकदम ख़राब थी, वो तो चलती नहीं थी, मतलब एकदम बेकार थी। तो उसने वो ना उसको स्क्रैप कर दिया, मतलब जितना भी उसका सामान था वो लिया, उसको बेच डाला, उसके पैसे जमा करने लगा, क्योंकि टाइटैनिक बोट वो टाइम पर कम्प्लीट नहीं हुई थी। फिर उसने क्या किया, जब टाइटैनिक बोट कम्प्लीट होने वाली थी, उसने उसके पहले ओलंपस बनाया था जो नॉर्मल मिडिल क्लास लुक के लिए था, और टाइटैनिक हाई क्लास लुक के लिए था। तो उसने क्या किया, अभी टाइटैनिक बोट के ना टिकट्स बेचना चालू कर दिया, तो पैसे आएंगे तो पैसे दे पाएगा, और जितने भी पैसे थोड़े लगेंगे ज़्यादा वो टाइटैनिक में यूज़ करेगा। अब उसने टिकट्स बेच डाला, टिकट्स फुल हो गई, उसने खुद के लिए यूज़ कर डाला पैसा, और फिर उसके पास पैसा बचा नहीं। अब उसको पैसा देना भी है उन लोग को, ब्रदर्स को, और प्लस उसको टाइटैनिक बोट भी बनाना है। उसने बहुत कोशिश किया बनाने की, काका से पैसा ला के दिया, अगर नहीं देता तो उसको मार देते। तो ओलंपस जो बोट थी उसने क्या किया, बोले ये तो रेडी बोट है, और टाइटैनिक अभी रेडी नहीं हुई, तो उसने क्या किया, टाइटैनिक की सिर्फ इंटीरियर लिया, ओलंपस में डाला, ओलंपस का नाम चेंज किया, टाइटैनिक रख दिया, और टाइटैनिक को लॉन्च कर दिया। लेकिन जितने भी बड़े लोग थे जो इसके इन्वेस्टर्स थे या कोई भी थे, उन लोग सबको उसने बोल दिया था कि ये बोट पर जाना नहीं, क्योंकि बोट मतलब समझ रहे हैं आप, फॉल्टी बोट है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, वो मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि उन लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है कि मिडिल क्लास अगर मर जाएगा तो हम लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए बहुत सारे देखे गए जान जो एकदम हायर क्लास के लोग गए नहीं थे ये बोट पे, ये रीज़न की वजह से नहीं गए थे। बहुत लोग बोलते हैं हम लोग बीमार हो गए थे ये दिन पे इसलिए नहीं जा सके, नहीं ये गलत बात है, उन लोग नहीं जा सके क्योंकि उन लोग को ऑलरेडी नोटिस मिल गई थी। अब ये बोट चल रही थी और बोट को कहते कि ये खुद जो ओनर था उसने डुबाया, कि वो इंश्योरेंस का पैसा लेके जो भी रॉजवेल्ड ब्रदर्स या जो भी ब्रदर्स थे, मैं रॉजवेल्ड बोल रहा हूँ गलत नाम है, वो जो ब्रदर्स थे मैं उन लोग का नाम नहीं लेना चाहता, उन लोग को पैसे दे सके हुए। तो उसने जान मुझ के बोलते वो बोट को भी गिरा, और कितने जन मर गए थे उसके अंदर वो भी रियलिटी थी। लेकिन वो बोट सही में आइसबर्ग की वजह से गिरी थी, वो मैं आप लोग को अभी बताऊं कि वो आइसबर्ग की वजह से हुआ था, मगर उन लोग को इफेक्ट नहीं पड़ा था, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। जो जन वहाँ पर बच गए थे ना, हर जन अलग अलग स्टोरी बोलता है, कुछ लोग बोलता है जॉम्बीज आ गए थे, कुछ लोग बोलते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ आ गई थी जिसकी वजह से हम लोग को डूबना पड़ा, या कोई भी चीज़ बोलते हैं। और जो लोग मर गए थे उन लोग तो मर गए, उन लोग तो बोल ही नहीं सकते। तो मैं आप लोग को बताता हूँ क्या क्या कंस्पिरेसी थियरीज है। एक आदमी है जो सोल्जर है, जो शिप में गया था, वो है ना जैसे शिप से निकला ना वो किसी से बात नहीं करता था। उसके एक बेटे ने पूछा, उसके बेटे के बेटे ने पूछा, पूछा नहीं और बात नहीं, तो उसके बेटे के बेटे से उसको बहुत लगाव था, तो उसने बोला चल मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये ना बोलते कि अगर जिसने भी ये चीज़ बता दिया वो उसको मार दिया जाता था। तो उसने बताया कि ना यहाँ पर ज़ॉम्बीज आ गए थे, ऐसा वायरस फैल गया था जिसकी वजह से लोग क्रेजी होने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, बोट को खाने लगे, बोट को ख़त्म कर दिए थे। और अगर आप देखेंगे जब टाइटैनिक बोट को लोग पानी में से ढूंढ रहे थे, या जो भी ओलंपस बोट को ढूंढ रहे थे, तो उन लोग ने देखे कि बाइट मार्क्स थे बोट में। तो बाइट मार्क्स कैसा है, क्या सही में ज़ॉम्बीज आ गए थे वो टाइम पे, या वो टाइम से लेकर आज तक उन लोगों पर ऐसी चीज़ें पड़ी जिसकी वजह से उन लोग हमें ऐसा बना सकते क्रीचर्स, ऐसी चीज़ें बना सकते जिसकी वजह से उन लोग ऐसे ज़ॉम्बी क्रिएट करके हमें अटैक कर सकते। तो ये चीज़ थी।
ये क्लियर हो गई थी कि शायद ये अटैक हुआ है। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो बोट थी उसके अंदर पहले से होल कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ से वहाँ पहुँची और वो मिडल में आई तो वो होल खोल दिया था और डूब गया था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स थे जो जो एकदम खास थे ओनर्स के, वो लोग खुद भाग गए थे। और जैसे ही फर्स्ट बोट निकली थी ना रेस्क्यू बोट, उसमें मतलब डूबने के पहले ही रेस्क्यू बोट में बैठ के निकल गए थे। तो हो सकता है कि सही में ओनर नहीं किया होगा। आप लोगों को क्या लगता है थियोरी के बारे में, क्या सही में ओनर लोग नहीं किए थे, नीचे कमेंट करके मेरे को बताना जरूर। तो ये थी थियोरी इस टाइटैनिक बोट के ऊपर। अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो आप लोग को अगर ये थियोरीज पसंद आई कि नहीं। क्या आपको सही में टाइटैनिक मूवी पसंद आई, क्योंकि मैं तो जब भी आती है टीवी पे देखता हूँ, मगर वो एक स्टोरी है, वो एक मूवी है, तो मूवी के हिसाब से लोग ने एक लव स्टोरी बताया। उन लोग ने क्यों नहीं बताया कि रियलिटी में क्या हुआ था, और ये क्यों उन लोग पब्लिक से छुपाना चाहते हैं। और जो ब्रदर्स थे जो आज भी जिंदा है, उन लोग की मालूम उन लोग टॉप लिस्ट में भी नहीं है दुनिया के रिचेस्ट मैन में से, लेकिन टॉप से टॉप है। उन लोग के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स है, पूरी दुनिया के बैंक ओन करते हैं उन लोग, तो सोचो क्या पैसा होगा उन लोग के पास। और लोग क्या है सही में इल्यूमिनाटीज में है, वो किस में है, क्या है, वो सब के बारे में मैं आप लोग को दूसरी टॉपिक में बताऊंगा। नीचे कमेंट कर दो आप लोग को क्या क्या टॉपिक्स देखने का है। इन व्यू प्रोडक्ट पे जाके आप खरीद सकते हो, पॉपकॉर्न ओपन भी दो, आप पॉपकॉर्न खरीद के पॉपकॉर्न खाते हुए वीडियो देखो मेरी। और आप लोग को कुछ भी चीज़ चाहिए मेरे डिस्कॉर्ड टेलीग्राम पे चले जाओ, मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाओ, मेरे फेसबुक पे चले जाओ, वहाँ पर जाके मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। स्नैपचैट पे मैं कभी कभी लिखता हूँ कि स्वाइप अप करके मेरे को मैसेज करो तो मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा। बहुत जान बोलते फुरकान मैं आप रिप्लाई नहीं देते, हर एक जान को रिप्लाई देता हूँ मैं वहाँ पर। इंस्टाग्राम पे मैं कोशिश करता हूँ खोलने की, मगर इंस्टाग्राम के डीएम्स में मेरे पहले से प्रॉब्लम चल रही है, आज तक प्रॉब्लम चल रही है, वरना मैं 100% आप लोग को रिप्लाई देता। लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर आप स्टोरी डालते हो, मेरे को टैग करते हो, तो मेरे को दिखता है, मैं लाइक भी देता हूँ। आप लोग को खुद चेक करने का तो जाके चेक कर सकते हो। इन्जॉय करो आपकी लाइफ। टाइटैनिक के बारे में आपको कुछ मालूम है या कुछ आपके पास एकदम इम्पोर्टेंट नॉलेज है तो नीचे मेरे को कमेंट करके बताओ।